हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा छः का हिंदी, जो हम पढ़ेंगे इसका पार्ट वन। पार्ट वन में दिया हमारा चीर महान, जो एक कविता है। तो कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। तो चलिए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। तो कविता में हमारा पहला पार्ट में दिया था, जो हमारा है, जग जीवन में जो चीर महान सौजन्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ, जो हो मानव के ही समान। इसका संदर्भ होगा तो ये होगा, ऐसे होगा, यह पंधांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत है। तो चलिए इसके प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग कह रहा है, प्रसंग में दिया हमारा, प्रस्तुत कविता में भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सके। यही हमारा इसका प्रसंग हो जाएगा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में हमारा है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनू ना मनु, जो समान रूप से मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घकाल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। तो चलिए इसका अगला जो पार्ट में दिया था, जो हमारा ये कविता है, वो हमारा तीन पार्ट में करके था। तो हमने पहला पार्ट का संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग बता दिए। अब इसका हम दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें दिया हमारा, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो इसका संदर्भ होगा हमारा, यह पंधास हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत है। जो ये हमारा कविता है वो तो एक ही कविता है, तो हमारा संदर्भ और प्रसंग दोनों एक ही होगा, क्योंकि इसमें पाठ करके दिया था। कविता तो हमारा एक ही है, तो संदर्भ और प्रसंग एक ही होगा। तो चलिए हम इसको फिर से बता देते हैं। तो प्रसंग में हमारा, प्रस्तुत कविता में भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकें। यही हमारा इसका भी प्रसंग हो जाएगा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सके जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त होता था, भय शक संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। इसका यही व्याख्या हो जाएगा। तो चलिए हम आगे इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है हमारा, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानो का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इसका हो जाएगा हमारा संदर्भ। तो देखिए इसका संदर्भ हो जाएगा, यह पंधांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चीर महान नामक पार से लिया गया। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत है। इसका भी तो वही संदर्भ और प्रसंग होगा, क्योंकि कविता तो हमारा एक ही है, तो इसका प्रसंग भी वही होगा। प्रस्तुत कविता में भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सके। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा हमारा, हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्व रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सकें, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सके। तो इसमें हमने जो हमारा कविता था पार्ट वन में चीर महान, इसका संदर्भ और व्याख्या और प्रसंग देखे हैं। तो धन्यवाद।